चैप्टर चल रहा था हेलो एल्कीन हेलो एरी, आज उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरेज। ये टॉपिक बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आईआईटी और नीट के हिसाब से वेरी इम्पोर्टेंट है। यानी कि आईआईटी और नीट वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, ध्यान से समझना। टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरेज। ऑप्टिकल आइसोमेरेज है क्या? देखो बेटा, अगर जो सिंपल लाइट होती है उसमें रोटेशन हर डायरेक्शन में होता है, ये सिंपल लाइट है जिसमें हर डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। लेकिन जब आप सिंपल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हो, किसमें से? निकोल प्रिज्म से। निकोल नाम है इसका, निकोल प्रिज्म। तो ये लाइट इसमें से जब बाहर निकल के आती है तो ये केवल एक डायरेक्शन में रह जाती है। ये तो ऐसी लाइट जिसमें रोटेशन हर डायरेक्शन में हो उसे सिंपल लाइट, और सिंपल लाइट निकोल प्रिज्म से निकल के आई तो ये बन गई प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट अब ये कहलाएगी प्लेन पोलराइज लाइट। अब अगर इस प्लेन पोलराइज लाइट को, ये हो गई, आप किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से गुजारो तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ये उसमें से निकलकर जैसी थी वैसी रहे, ये उसमें से निकलने के बाद क्लॉकवाइज टर्न कर जाए, देख रहे हैं आप इधर की तरफ कर गई, और ये हो सकता है ये उसमें से निकलने के बाद एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर जाए, यानी ऐसे। तो अगर ये जैसी थी वैसी बाहर निकल आई तो बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनर्ट है। और अगर वो घूम गई, किधर की तरफ घूम गई? क्लॉकवाइज, तो उसे उस कंपाउंड की डीफॉर्म बोलेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गई तो उसे उस कंपाउंड की एल फॉर्म कहेंगे। क्लॉकवाइज घूमने पर डीफॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर एल फॉर्म। किसके घूमने पर? प्लेन पोलराइज लाइट के। प्लेन पोलराइज लाइट के घूमने के आधार पर इसके नाम पड़े डीफॉर्म और एल फॉर्म। तो दोबारा ध्यान दें, सिंपल लाइट में वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, जब इसे निकोल प्रिज्म से गुजारा तो वाइब्रेशन केवल सिंगल डायरेक्शन में रह गए, तो ये हो गई प्लेन पोलराइज लाइट। इसे इसमें से घुमाने पर ये जैसी है वैसी बाहर निकल आई तो ऑप्टिकली इनर्ट है वो कंपाउंड जो इसमें बोला गया है, और अगर वो क्लॉकवाइज घूम गई तो ये इस कंपाउंड जो इसमें बोला गया उसकी डीफॉर्म है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर एल फॉर्म है। यहां पर एक बात ध्यान देने की है, डी और एल फॉर्म जो है, तो डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से जो आपने टर्म यूज किया है एल, उसका नाम है लीवो रोटेटरी यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज के लिए लीवो रोटेटरी वर्ड आता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी से डी वर्ड लिया गया, लीवो रोटेटरी से एल वर्ड लिया गया। ये नोट करो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ू। जल्दी नोट करिए। हाँ भाई, नोट कर लिया। तो इस तरीके से हमने देखा, सिंपल लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट बनाई निकोल प्रिज्म से पास करके। प्लेन पोलराइज लाइट सॉल्यूशन में से गुजरने पर अगर वैसे ही रही तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन में बोला गया कंपाउंड ऑप्टिकली इनर्ट है। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज घूम गई तो ये जो कंपाउंड इसमें घोला गया उसकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गई तो घोले गए कंपाउंड की ये लीवो रोटेटरी फॉर्म है। ये हटा रहा हूं। अब इसके बाद साइंटिस्ट की मीटिंग बैठी, उन्होंने आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन किए। मेन क्वेश्चन ये था, भाई ऐसा क्यों है कि कुछ कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कुछ कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और कुछ कंपाउंड लाइट को घुमा ही नहीं पाते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है इसके पीछे? उस समय एक कंपाउंड था लैक्टिक एसिड। क्या था? लैक्टिक एसिड। नाम क्या था? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को अगर आप ध्यान से देखें
इसका फॉर्मूला है CH3CHOHCOOH। ये लैक्टिक एसिड है, ये कंपाउंड लाइट को घुमाता था। जब ये कंपाउंड लाइट को घुमाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो लोगों के दिमाग में आया कि देखो भाई इसके अंदर देखो ये कार्बन जो है इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग चीज से सेटिस्फाइड है। ऐसा कंपाउंड जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग चीज से सेटिस्फाइड है, जिसके ऊपर मैंने स्टार का निशान बनाया है, ऐसे कार्बन को बोलते हैं काइरल कार्बन। क्या बोलते हैं? काइरल। हिंदी में इसे किरल बोलते हैं, लेकिन वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा काइरल करेगा, यूपी बोर्ड में इसे लोग काइरल ना बोलकर किरल बोलते हैं। तो काइरल कार्बन, काइरल कार्बन वो है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग जगह से अटैच है उस कार्बन की। तो आप देख रहे हैं इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग चीज से जुड़ी हुई है, तो ये काइरल कार्बन है। तो लोगों ने नतीजा निकाला कि भाई काइरल कार्बन होना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिस की पहचान है। अगर आप पे काइरल कार्बन है तो इसका मतलब आप ऑप्टिकली एक्टिव हो, और काइरल कार्बन नहीं है तो आप ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो। तो अब ये मान लिया गया होलसेल क्राइटेरिया कि काइरल कार्बन होना ऑप्टिकल आइसोमेरिस का आइडेंटिटिफिकेशन या उसकी आईडी है या उसका प्रूफ है। इसके बाद एक कंपाउंड आया बेटा, उस कंपाउंड का जो नाम था वो कंपाउंड था टार्टेरिक एसिड। कौन आया? टार्टेरिक एसिड। अब जो टार्टेरिक एसिड है ना, उसका फॉर्मूला होता है CHOH COOH। ये फॉर्मूला है टार्टेरिक एसिड का। अब इससे हम तीन तरीके के चीजें बना सकते हैं, तीन फॉर्म बन सकती हैं इसकी। आप कहोगे तीन फॉर्म कौन सी बनेंगी? देखो मैं बना के दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। पहली फॉर्म ये बन रही है, देखें आप, दूसरी फॉर्म इसकी भी बन सकती है वो ये है, नजर आ रही है। आप कहोगे सब तीसरी फॉर्म कौन सी बन सकती है? पहली फॉर्म में देख रहे हैं इस पर OH राइट पर, इस पर लेफ्ट पर, इसमें उल्टा हो गया, इधर लेफ्ट पर इधर राइट पर। और एक फॉर्म और बन सकती है जिसमें दोनों OH ग्रुप सेम डायरेक्शन में हो जाएं, यानी कि राइट पर या लेफ्ट पर, ये बन सकती है। देखें इसमें दोनों OH ग्रुप की डायरेक्शन सेम है, इसमें क्या है, एक राइट एक लेफ्ट, इसमें एक लेफ्ट एक राइट, तो इसकी तीन फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। अब अगर आप चेक करें तो इसमें, इस फॉर्म में या कोई भी फॉर्म देखें, इनमें दो काइरल कार्बन है। क्या आपको नजर आ रहा है कितने काइरल कार्बन है? आंसर दो, एक कार्बन ये काइरल है और एक ये काइरल है। आप कहोगे सर ये कार्बन काइरल कैसे है? देखो एक दो तीन चार, ऐसे इसको देखो, एक दो तीन और ये चार। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये दोनों कार्बन काइरल है। अब अगर हम देखें तो जरा ध्यान से देखो, इसमें से ये चीज लाइट को रोटेट करती है, लाइट इसमें रोटेट होती है, इसमें भी लाइट रोटेट होती है, इसमें लाइट रोटेट होती है क्लॉकवाइज, तो ये इसकी कहलाई डी फॉर्म। इसमें प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हुई एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कहलाई एल फॉर्म। इसमें लाइट रोटेट नहीं हुई है ना, इसका नाम पड़ा मीजोफॉर्म। क्या नाम पड़ा? मीजोफॉर्म। अब आप सोचो मीजोफॉर्म की डिस्कवरी होते ही बड़ा बवाल हो गया, लोगों ने कहा काइरल कार्बन एक नहीं दो है, और अभी तो आप कह रहे थे काइरल कार्बन एक भी अगर आप पे हैं तो लाइट रोटेट हो जाएगी। इस कंपाउंड में एक नहीं दो दो काइरल कार्बन है, लाइट रोटेट क्यों नहीं हुई भाई, बताओ जरा। और अगली बात है, इसमें लाइट क्लॉकवाइज क्यों रोटेट हुई, इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्यों रोटेट हुई, इसका कारण बताओ। और इसमें तो दो दो काइरल कार्बन है, इसमें लाइट रोटेट क्यों नहीं हुई? फिर साइंटिस्ट की मीटिंग बैठी, उन्होंने कुछ डिसीजन लिए, उन्होंने कहा काइरल कार्बन होना ही
ऑप्टिकल आइसोमेरिस की पहचान नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिस की सही पहचान है आप में सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। रिपीट, ऑप्टिकल आइसोमेरिस की पहचान है सिमिट्री एब्सेंट होना, अनुपस्थित होना। यानी अगर सिमिट्री नहीं है तो वो चीज क्या होगी, आंसर लाइट को रोटेट करेगी, और सिमिट्री है तो लाइट को रोटेट नहीं करेगी। लोगों ने कहा कैसे, उन्होंने कहा देखो इस कंपाउंड के अगर आप यहां से काटो तो दो बराबर पार्ट हो रहे हैं, लेकिन इस कंपाउंड के दो बराबर पार्ट नहीं हो रहे हैं ना इसके हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस कंपाउंड में सिमिट्री है, इन दोनों में सिमिट्री नहीं है। इस मॉलिक्यूल में क्योंकि सिमिट्री है तो इसलिए लाइट नहीं घूम रही है, और इन दोनों में सिमिट्री नहीं है तो लाइट घूम रही है। तब से यह पक्का हो गया कि लाइट को घुमाने के लिए कायरल कार्बन नहीं, सिमिट्री मेन वजह है। यानी अगर सिमिट्री आप पर है तो लाइट नहीं घूमेगी, और सिमिट्री नहीं है तो लाइट घूमेगी। वेरी गुड, बात समझ में आ गई होगी। अब लोगों ने कहा भाई ऐसा क्यों है, इसमें क्लॉकवाइज इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। उसके लिए फिर एक नया नॉमनक्लेचर लगाया गया यह पता करने के लिए कि लाइट क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। उसका नाम पड़ा आरएस नॉमनक्लेचर। क्या नाम पड़ा, आरएस नॉमनक्लेचर। क्या होता आरएस नॉमनक्लेचर अभी बताऊंगा अगले 5 मिनट बाद। पहले आप समझे अब इन तीनों का रिलेशन क्या है। अगर आप देखें यहां पर मैं बीच में मिरर लगा दूं, देखो शीशा, तो देखो ऐसा नहीं लग रहा है इसकी मिरर इमेज है, लेकिन ये इसकी मिरर इमेज लग रही है, साफ नजर आ रहा है इसकी मिरर इमेज है। तो उन्होंने बोला ऐसी दो फॉर्म जो लाइट को घुमाती हैं और एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, उन्हें बोलते हैं इनेंशियोमर। क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर। प्यारे बच्चों दोबारा समझो, इनेंशियोमर क्या है। इनेंशियोमर वो फॉर्म है जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं और एक दूसरे को ढकती नहीं है। आप इसे उठा के इसके ऊपर रखो तो ये इसको ढकेगी नहीं। तो ऐसी दो फॉर्म जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो और एक दूसरे को ढके नहीं, उन्हें इनेंशियोमर कहते हैं। तो डी फॉर्म एल फॉर्म की इनेंशियोमर है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि जो ये मीजो फॉर्म है ये लाइट को घुमा ही नहीं रही है, और देखो ये और ये आपस में मिरर इमेज भी नहीं है, और इसी प्रकार ये और ये भी आपस में मिरर इमेज नहीं है। दोबारा समझो, डी और एल एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे को ढक नहीं रही है, ये इनेंशियोमर है। लेकिन डी और मीजो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, एल और मीजो भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो डी का मीजो से रिलेशन या एल का मीजो से रिलेशन कहलाएगा डाया स्टीरियो आइसोमर। क्या कहलाएगा, डाया स्टीरियो आइसोमर। अब डाया स्टीरियो आइसोमर कौन कौन है, डी और मीजो, और कौन है, एल और मीजो। डी लिख दिया, डी फॉर डाया स्टीरियो आइसोमर। तो यहां पर हमने दो टर्म क्लियर किए, इनेंशियोमर और डाया स्टीरियो आइसोमर। इनेंशियोमर क्या है प्यारे बच्चों, इनेंशियोमर का मतलब ऐसी दो चीजें जो लाइट को घुमाती हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे को ढकती नहीं है, उन्हें इनेंशियोमर कहते हैं। और ऐसी दो चीजें जिनका फॉर्मूला सेम है ना, लेकिन वो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, वो डाया स्टीरियो आइसोमर है। तो ध्यान रखना, डी मीजो का, एल मीजो का डाया स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन डी और एल आपस में एक दूसरे के इनेंशियोमर है। क्या है, इनेंशियोमर। तो आपको समझ में आया क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिस। अगर मुझसे कोई बोले सर ऑप्टिकल आइसोमेरिस की क्या पहचान है, तो मैं कहूंगा बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिस की एक ही पहचान है जो अब वैलिड है। पहले माना जाता था कायरल कार्बन होना, और अब माना जाता है अगर आप में सिमिट्री नहीं है तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिस दिखा रहे हैं, और सिमिट्री है तो नहीं दिखा रहे हैं। डी और एल एक दूसरे के इनेंशियोमर है। इनेंशियोमर वो चीजें होती हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है ना, और लाइट अपोजिट डायरेक्शन में घुमाती हैं और एक दूसरे को ढकती नहीं है।
और डी और मीजो, एल और मीजो एक दूसरे के क्या हैं? डाया स्टीरियो आइसोमर। डाया स्टीरियो आइसोमर का मतलब आपका फॉर्मूला सेम है दो चीजों का, लेकिन दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक बात आई कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये कंपाउंड लाइट को क्यों नहीं घुमा रहा है? आपको कैसे पता चला? आप इस फॉर्मूले को देख के क्या बता सकते थे कि लाइट इसमें नहीं घूमेगी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, इसमें क्लॉकवाइज घूमेगी? यस, आंसर इसके लिए आपको आरएस नॉमेनक्लेचर लगाना आना चाहिए। क्या? आरएस नॉमेनक्लेचर। अब आरएस नॉमेनक्लेचर में आपको समझाने वाला हूं। आप कहोगे सर आरएस नॉमेनक्लेचर क्या है, बताइए जरा जल्दी से। देखिए बेटा आरएस नॉमेनक्लेचर क्या है, टॉपिक है आरएस नॉमेनक्लेचर। इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर। आरएस नॉमेनक्लेचर को तभी हाथ लगाइए जब पहले आपको सीआईपी रूल आते हो, यानी कि अगर आपको सीआईपी रूल मालूम है तो आरएस नॉमेनक्लेचर आपको आएगा, अगर सीआईपी रूल ही नहीं मालूम तो आरएस नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा। अब बात आई सीआईपी क्या है। C फॉर कान, I फॉर इन गोल्ड, P फॉर प्री लॉक। इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नाम पड़ा सीआईपी। कान का C, इन गोल्ड का I, प्री लॉक का P, तो इसलिए नाम पड़ा सीआईपी रूल्स। अब सीआईपी रूल्स क्या है? आंसर तीन रूल है। कितने? तीन। तीन साइंटिस्ट ने दिए, तीन रूल हैं, पहले उन्हें समझे। तो पहले सीआईपी रूल समझेंगे फिर आरएस नॉमेनक्लेचर पे आएंगे। तो पहले प्यारे बच्चों आ जाओ सीआईपी रूल्स, कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल्स। इसमें कहा गया है कि जिस चीज का एटॉमिक नंबर बड़ा होगा उसको हाई प्रायोरिटी देनी है। क्या देनी है? हाई प्रायोरिटी, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ा तो उसकी प्रायोरिटी हाई। जैसे FClBrI है, इनमें से बड़ा किसे माने? इसका नंबर 9, 17 है ना, 17, और इसका 35, इसका 53। तो एटॉमिक नंबर किसका बड़ा है? आई का, तो आई की प्रायोरिटी बड़ी है Br से, Br की Cl से, Cl की F से। एटॉमिक नंबर बड़ा, हाई प्रायोरिटी, ये पहला रूल है। दूसरा नंबर, अगर आइसोटोप का केस है तो प्रायोरिटी को एटॉमिक नंबर से डिसाइड नहीं करो, क्योंकि आइसोटोप में अगर आप देखें तो आइसोटोप में तो बेटा एटॉमिक नंबर बराबर होंगे। देखो आइसोटोप में तो एटॉमिक नंबर बराबर होंगे, तो कहते हैं आइसोटोप का केस हो तो फिर एटॉमिक नंबर नहीं, आप मास नंबर से प्रायोरिटी को देखो, जिसका मास नंबर बड़ा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इसका मास नंबर इससे बड़ा है तो इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है। ऐसे अगर आप हाइड्रोजन के आइसोटोप देखें, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। तो यहां पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। इसको सिंपली हम H कहते हैं, इसको सिंपली डी कहते हैं, और इसको सिंपली टी कहते हैं। नाम है प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। रिपीट, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। क्या क्या नाम है? प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम का सिंबल एच से लिखा, इसको लिखा डी से, इसको लिखा टी से, है ना। तो आपको सीआईपी रूल में से दो रूल समझ में आ गए। कहोगे सर दो रूल कौन कौन से हैं, एक बार हमें बता दीजिए। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा उसकी प्रायोरिटी हायर। दूसरा रूल कहता है आइसोटोप के केस में जिसका मास नंबर बड़ा उसकी प्रायोरिटी हायर। प्रायोरिटी क्या होता है इसको भी समझ लो। जैसे मैं बैठा हूं, है ना,
और मेरा बेटा बैठा है, चेयर एक है, दो लोग हैं, सॉरी मैं और मेरा बेटा। तो मेरा बेटा क्या कहेगा, सर आप पापा आप बैठ जाओ, चेयर एक है। तो वो नहीं बैठा, मैं बैठ गया। अचानक देखा मेरी मम्मी आई, तो मम्मी को देखते मैं क्या करूंगा, वो चेयर खुद उठ जाऊंगा और अपनी मदर को कहूंगा आप बैठ लो। अब मेरी मदर बैठी, सो उन्होंने देखा उनके ससुर जी आ गए, तो अब क्या करेंगी मेरी मम्मी बोलो, खुद उठ के ससुर जी को वो चेयर दे देंगी, क्योंकि वो उनसे बुजुर्ग है, है ना। तो इस तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड हो रहा है ना, यानी कि मेरे बेटे की तुलना में मेरी प्रायोरिटी हायर, मेरी तुलना में मेरी माँ की प्रायोरिटी हायर, और उनकी तुलना में उनके ससुर की प्रायोरिटी हायर हो गई। ठीक है, प्रायोरिटी मैंने किसे प्राथमिकता मिलेगी, है ना, किसे इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगी। अब आ रही इसमें, आपने तो बताया था तीन रूल है सर सीआईपी रूल में। पहला रूल एटॉमिक नंबर ज्यादा प्रायोरिटी हायर, दूसरा रूल आइसोटोप के केस में मास नंबर ज्यादा प्रायोरिटी हायर। अब तीसरा रूल क्या है बेटा, तीसरे रूल पे आ जाओ। तीसरा रूल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को डिफाइन करता है, किसको, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में है। जैसे अगर दो चीजें है ना, उनके बीच में डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है डबल, अगर दो चीजें हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है डबल, जैसे एक चीज का नाम ए है और एक का नाम बी है, उनमें डबल बॉन्ड है ना। एग्जाम्पल ही ले लो यार, सी डबल बॉन्ड ओ है, कीटोन ग्रुप, तो जिनमें डबल बॉन्ड है उन पर पहले क्या बना लो स्टार, है ना, फिर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कम कर दो, कितने बॉन्ड का लॉस हुआ एक का, तो बदले में एक ओ इससे जोड़ दो, एक सी इससे जोड़ दो। ठीक, क्या करते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड है उनके ऊपर क्या बना लो स्टार, एक बॉन्ड कम करो और फिर सी से ओ जोड़ दिया, ओ से सी जोड़ दिया। बात समझ में नहीं आई है तो सोचो, अगर ए डबल बॉन्ड बी होता तो क्या करते आप, ए स्टार बी स्टार सिंगल बॉन्ड, अब एक ए से बी और एक बी से ए जोड़ देते। बच्चा कहेगा हाँ सर समझ में तो आ गई, और अच्छा एग्जांपल लीजिए। तो एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में एग्जांपल लो बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल है सी ट्रिपल बॉन्ड है, और सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो पहले क्या करोगे सी और एन में सिंगल बॉन्ड बनाओ और इन पर स्टार बना दो। पहले बॉन्ड कितने थे तीन, अब कितना है एक, कितने कम हो गए दो, तो इस सी से दो एन जोड़ो और इस एन से दो सी जोड़ो, ये ऐसा हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई, एक और एग्जांपल ले लो, मान लो एक चीज है एक्स और वाई, इनमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या करोगे बोलो, एक्स स्टार सिंगल बॉन्ड वाई स्टार, कितने बॉन्ड कम हो गए दो, तो इससे दो वाई जोड़ दो, इससे दो एक्स जोड़ दो, ये ट्रिपल बॉन्ड का ट्रीटमेंट है। इन तीनों बातों को मिलाकर बोलते हैं सी आई पी रूल, सी फॉर कान, आई फॉर इन गोल्ड, पी फॉर प्री लॉक रूल्स। पहला पहला अच्छा ले लो सी आई पी रूल्स, ये सामने से हट गया हूं। तो अगर मुझसे कोई बोले अब सर सी आई पी रूल्स क्या है, मैं कहूंगा ये तीन साइंटिस्ट द्वारा दिए गए रूल हैं। ये रूल इस काम में आते हैं कि किसकी प्रायोरिटी बड़ी माने, किसको बड़ा माने, किसको छोटा माने। तो पहला रूल है जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा वो बड़ा, दूसरा रूल है आइसोटोप के केस में जिसका मास नंबर बड़ा वो बड़ा, तीसरा डबल और ट्रिपल बॉन्ड का ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब बताइए सर आपने सीआईपी रूल समझाने थे, समझा दिए, अब बताइए आप तो आरएस नोमेनक्लेचर बता रहे थे, आरएस नोमेनक्लेचर क्या है सर, अब बताइए जल्दी से, बड़ा मन में क्यूरियोसिटी आ रही है कि भाई आरएस नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे पता करेंगे लाइट किधर घूम रही है ना। अब आरएस नोमेनक्लेचर लगाना बहुत सरल है बेटा, देखना बात समझना। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है सी, उस पर लिखा है एफ सी एल बी आर आई, ये काइरल कार्बन नजर आ रहा है, तो पहले जितने ग्रुप उससे जुड़े हैं उनके ऊपर सीआईपी रूल लगाओ और उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाओ। एफ सी एल बी आर आई में सबसे बड़ा कौन है आई, दूसरे नंबर पे बी आर, तीसरे पे सी एल, चौथे पे एफ, तो पहले सारे ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में लगा लिया,
जो काइरल कार्बन से अटैच हैं। क्या सीख रहे हैं हम? आरएस नोमेनक्लेचर। लगते इसके बाद फोर्थ ग्रुप को मिटा दो। मिटा दो का मतलब, मिटा दो का मतलब मिटा दो ही होगा और क्या होगा, यानी कि स्टार बना रह दिया, ऊपर से एफ को हटा दिया, फोर्थ नंबर को हटा दिया। उसके बाद वन से टू, टू से थ्री की तरफ चलो, वन से टू की तरफ चले, टू से थ्री की तरफ। देखो आप कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आया तो लिख लो एल, ठीक लिख लिया। उसके बाद मन मन में सोचो फोर्थ नंबर वापस आ गया, ये देखो वापस आ गया। अब वो देखो वो वर्टिकल लाइन पर है या हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, अगर वो वर्टिकल लाइन पर है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर ये फोर नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता तो आंसर इससे उल्टा हो जाता। तो अभी हमारे वाले केस में हमने देखा कि फोर्थ नंबर वर्टिकल लाइन पर है, पहले हमारा आंसर एल था और क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पर है तो आंसर एल का एल ही रहेगा। तो इसका मतलब ये इस कंपाउंड की एल फॉर्म है और लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। किधर घुमाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों को बड़ा अच्छा लगा होगा, सीख के उन्होंने लगा होगा वाह सर क्या बात बताई, मजा आ गया, आईटी एक्सक्लूसिव बता रहे हो आप। अब बच्चे के मन में होगा सर और एग्जाम्पल लीजिए, अभी क्लैरिटी कम हो रही है। ठीक है भाई, एक और एग्जाम्पल लो, जैसे आप लैक्टिक एसिड ही लो वापस, आपने लैक्टिक एसिड बना दिया सी एच थ्री सी एच ओ एच सी डबल ओ एच। लगाओ भाई, पहला काइरल कार्बन से कौन जुड़ा है, ओ सी सी और एच, इसका नंबर वन, ओ का आठ, इसका छह, इसका छह, तो सबसे बड़ा ओ सबसे छोटा एच। अब ये भी छह है ये भी छह, तो ये बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर होने के बाद इस पर कौन है, एच, इसका नंबर वन है, इसका नंबर ओ का आठ है, तो इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है, सी डबल ओ एच। तो रैंक डल गई, वन टू थ्री फोर डल गई। दोबारा सोचो कैसे सोचा, एक ही एच, एक ओ, एक सी, एक सी, तो ये वन ये फोर। इसके बाद सेकंड और थ्री कौन है, सी सी बराबर हो गया, तो इसके बाद ओ है इस पर एच है, तो ये बड़ा है, तो इसकी रैंक टू, इसकी रैंक थ्री। अब क्या करोगे बोलो, मैंने कहा था फोर नंबर को मिटाल कर लिख दो, फोर नंबर मिटाल दो, जरा फोर नंबर मिटाल दिया, देखो मिट गया। अब नंबर डाल दो, बाकी नंबर कौन कौन से है, ये वन है, ये टू है और ये थ्री है, वन से टू, टू से थ्री की तरफ चलो। कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज, कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जैसे, तो ये क्लॉकवाइज है, तो आंसर क्या हुआ, डी। अब फोर नंबर को सोचो, डी के बाद फोर नंबर यहां पे आ गया, आ गया, जैसे ही फोर नंबर आया कौन सी लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल, तो आंसर डी से बदलकर क्या हो गया, एल। तो ये इस कंपाउंड की एल फॉर्म हो गई, यानी कि ये फॉर्म लाइट को किधर घुमाएगी, आंसर ये घुमाएगी आपका एंटी क्लॉकवाइज, किधर घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज लाइट को घुमाएगी। तो इस तरीके से आप आरएस नोमेनक्लेचर लगा लेते हो इसमें, पूरा बात समझ में आ रही है। तो पहले बेटा दोबारा से वापस आओ, ऑप्टिकल आइसोमेरिस, ऐसी लाइट जो जिसमें वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, सिंपल लाइट, निकोल प्रिज्म से गुजारी, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट अगर किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से गुजारो है ना, और वो क्लॉकवाइज घूम जाए तो उस कंपाउंड की डी फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो उस कंपाउंड की एल फॉर्म कहलाएगी। आपने टार्टेरिक एसिड में एक बात और भी देखी, उसमें दो काइरल कार्बन थे और तीन फॉर्म बनी थी, डी फॉर्म, एल फॉर्म, मीजो फॉर्म। डी और एल एक दूसरे की रेंशियोमर थी, डी और मीजो, एल और मीजो एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर थी। उसके बाद हमने सीआईपी रूल सीखे, क्या सीखे, सीआईपी रूल कैसे वर्कआउट करते हैं। सीआईपी रूल के बाद फिर हमने आपको सिखाया आरएस नोमेनक्लेचर, आरएस नोमेनक्लेचर में मैंने बोला सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग चीजों पर प्रायोरिटी ऑर्डर डाल दो, वन टू थ्री फोर नंबर डाल दो, फिर उसके बाद फोर नंबर को मिटाल दो और देखो वन से टू, टू से थ्री की तरफ चलो, तो या तो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज आए तो डी लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज आए तो एल लिख लो, फिर फोर नंबर के ग्रुप की को शो कर दो और देखो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है या वर्टिकल लाइन पर है।
उसके अकॉर्डिंग आंसर में चेंज कर लो तो आपका रियल आंसर निकल आएगा। ठीक है, अभी भी मैं ये मानता हूं कि आरएस नोमेनक्लेचर के मुझे और बहुत सारे केस कराने चाहिए, है ना, लेकिन क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है तो आरएस नोमेनक्लेचर के अभी बहुत सारे प्रैक्टिस केस हैं, बहुत सारे कठिन केस हैं जो आईटी में पूछे जाते हैं, आईटी एडवांस के एक्सक्लूसिव केस हैं, वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूं, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतजार होगा आपको, मुझे पूर्ण उम्मीद है। सामने से हट गया हूं, एक बार देख लीजिए ये करना। अब फिर प्यारे बच्चों आपसे मुलाकात।